ये दोस्तों 20 सीसी की हमारे पास रेंज है, ये आप दोस्तों को दिखाते हैं कि 100 ml हमने इसको देनी है। ये 40 सीसी हो गई ठंडा नॉर्मल, ये पानी हमने चीनी वाला बनाया हुआ है, ये भी हम इसमें डाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा मीठा हो जाए। ठीक है, ये भी हम इसको 100 ही डाल लेंगे। ठीक है, ये हमने अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है, ठीक ठाक है आपका। जाना पहचाना नाम आगा सदामाबाद जी, आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जी ये नज़दीक थोड़ा सा लेके हैं, ये जी हमारे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह बछड़े ये बंधे हुए हैं। ठीक है, रात को हमने इनका आगा सदाम अंडा दे दिया, ये खा के लिया इन्होंने, खाने के बाद इन्होंने खुराक पूरी ले ली। उसके 3 घंटे बाद आज ही बारी आ गई है लिवर मीन की, जो हम पेट की आंतों के जो जितने भी किरम हैं, जिगर के जितने भी किरम हैं ठीक हो गए, जो जानवर को खुराक डाइजेस्ट करने में जो तकलीफ देते हैं, यानी कि जो खुराक ज़ाया करते हैं खाते हैं, लार्वा छोटा होता है वो अंदर बच्चे देता है, जिसकी वजह से जानवर अपनी खुराक पूरी नहीं उठाता और जानवर ग्रोथ में नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको पहले डॉक्टर आन के इंजेक्शन लगा लिए थे, ठीक है, उसकी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, कहते हैं तो मैं लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हमारा कोई भी इरादा किसी भी मेडिसिन को प्रमोट करने का नहीं है, ठीक है, अल्लाह जानता है। और ये जितने भी मेडिसिन वाले हैं, ठीक है, इनके साथ हमारा ऐसा कोई भी लेन देन नहीं या कोई भी फ्री मेडिसिन नहीं देते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैसे दे के हर चीज़ खरीदता हूँ। ठीक है, जिस चीज़ का मुझे रिजल्ट मिलना है मैंने वही दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, ना मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत है ना अल्लाह के साथ बलवाए। एक चीज़ होगी, वादा किया था कि जो कुछ करेंगे अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। सबसे पहले कि हमने दोस्तों डॉक्टर आन के इंजेक्शन लगा दिए, डॉक्टर आन के इंजेक्शन लगे हुए इनको आज तकरीबन 1 माह हो चुका है। ठीक है, अब इनके पेट के डिवर्म ही करने लगे हैं, ये हम मेडिसिन देखते हैं, अलबैक 10 है। ठीक है, ये हम मेडिसिन के साथ इनके डिवर्म ही करने लगे हैं, ऊपर ये अलबैक 10 लिखा हुआ है, जिस जो अलबंडाजोल का फार्मूलेशन है ना, ठीक है दोस्तों, किसी के अंदर 2 पॉइंट है, किसी के अंदर 2.5 पॉइंट है, किसी के अंदर 5 पॉइंट है, इस मेडिसिन के अंदर पूरा 10 पॉइंट है। आगे मैं इंशाल्लाह ताला, अब हमने ये चीनी ली है उसके अंदर 2.5 किलो या 3 किलो पानी मिक्स करके ये जिस बछड़े का नज़दीक लेके आए, इधर आए ज़रा इसको उठाएं, ये देखें, ये इस बछड़े का इस वक्त जो लाइव वेट है एक एक्सपीरियंस के मुताबिक तकरीबन कोई, ये अपने दोस्तों को बताने लगा हूँ कि इस जानवर का इस वक्त तकरीबन कुछ 14 मन से ऊपर ऊपर ही वजन है। ठीक है, अब हम आपको बता देता हूँ, जिस बछड़े का वज़न 4.5 से 5.5 6 मन के रोंड बोंड है, उसको ये अलबैक का जो 10 है ये आप दोस्तों 60 से 70 सीसी दे सकते हैं। इस बछड़े का वज़न ज़्यादा है, ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह ताला जी देंगे, अल्लाह आपका भला करे, 100 सीसी देंगे। ठीक है दोस्तों ये है कि ये इम्पोर्टेड मेडिसन है, ठीक हो गया, आप दोस्तों को सिर्फ बताने का पता क्या मकसद है कि आप दोस्तों को अवेयरनेस थोड़ी सी मिल जाए। ठीक है, ये हमारे पास नाल है, ये हमने चीनी लेके जितने भी आप इसको मीठा कर सकते हैं वो पानी थोड़ा सा मीठा कर लें, मीठा करने का मकसद ये है कि ज़रा जानवर आसानी से ले लेगा और किरम है जो वो जल्दी मर जाएंगे। ठीक है, इसके 1-2 दिन आप इनको सबा चारा दे दीजिएगा, उसके बाद आप वंडा दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी के अपने भी मेडिसिन हम अपने दोस्तों को बता रहे हैं, इस कंपनी की कोई भी प्रमोशन नहीं है, ठीक है, और सिर्फ अपने बछड़ों को दे रहे हैं कि इसका 100% रिजल्ट है। ठीक है, अब हमने इनको दे देनी है, फिर इसके बाद 3 माह बाद फिर देंगे इंशाल्लाह ताला जी। इसके साथ क्या होगा, जो पेट के किरम है, आंतों के किरम है, जिगर के जितने भी किरम है, फिफड़ों के जितने भी किरम है, वो उसके साथ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, जानवर खुराक ज़्यादा उठाएगा, ज़्यादा आउटपुट हमें देगा इंशाल्लाह ताला जी। अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है। और बड़े दोस्तों ने मुझे बोलना है कि आगा भाई बकरों को क्या देना है, इंशाल्लाह ताला वो दूसरी हम वीडियो बनाएंगे, आज हम बछड़ों की बना रहे हैं। ठीक है, बछड़ों की जब हमने वीडियो बना लेनी है उसके बाद ये जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बछड़े हैं, ठीक है, इनको देने के बाद अपने दोस्तों से इंशाल्लाह ताला जी मैं शेयर करता जाऊंगा, ठीक है, कि हमने किस तरीके से इनको मेडिसिन दी, किस तरीके से कोशिश करके कि इनकी वीडियो बना के आप दोस्तों शेयर कर दो। अब वीडियो 2 ही सुबह आया करेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है मेरे बछड़े भी बेइंतहा के दिए हुए, बकरे भी बड़े बेइंतहा के, 2 इंशाल्लाह टॉपिक पे वीडियो बना करेगी। अभी ये हमारे पास नाल है,
इसको हमने ये जो बछड़ा है इसका वेट है इस वक्त अल्लाह आपका भला करे कोई 14 माह से ऊपर ऊपर है, हम इसको 100 cc देंगे। ये हमारे पास छोटे बछड़े हैं ठीक है, उनको हम 60-70 cc देंगे और कोशिश करेंगे कि 3 मंथ बाद फिर इनको दें। इसी तरीके से हमने मेडिसिन देनी है, अगर कोई बात रह गई है। मैंने तो ऐसा कोशिश की है कि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए ठीक है। अरे बंदा मां तो इंशाल्लाह ताला जी आगे चलते हैं, अपने दोस्तों को मैं दिखाता हूँ अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो हम किस तरीके से रहते हैं, फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये दोस्तों 20 cc की हमारे पास रेंज है, ये आप दोस्तों को दिखाते हैं कि 100 ml हमने इसको देनी है। ये 40 cc हो गई, हर चीज़ को नाप तोल के आपने देना दोस्तों ठीक है, ताकि इरिटेट ना हो जानवर परेशान ना हो। ये 60 हो गई, 60 cc चली गई है। अस्सी सीसी और ये 100, क्योंकि ये हमारे पास जो सरिंज है ना ये 20 cc के। अभी ये देखिए आप दोस्तों को दिखाता हूँ ये कि ठंडा नॉर्मल ये पानी हमने चीनी वाला बनाया हुआ है, ये भी हम इसमें डाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा मीठा हो जाए ठीक है। ये भी हम इसको 100 ही डाल लेंगे ठीक है, ये हमने शक्कर वाला पानी बनाया हुआ है, चीनी वगैरह डाल के आप गुड़ डाल के ये बना सकते हैं। 60 cc 80 हो गया और ये 100 ml। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा भी चले जाए 120 नाल के हिसाब से ये 40 हो गया, 60 80 ये लें जी ठीक है। ये 200 cc इसमें हमने पानी भर लिया ठीक हो गया। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप दोस्तों को हम दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से दिखता हूँ। ये बछड़ा खोल यार, ओके पकड़ ये बछड़ा खोल, ये आप दोस्तों को मैं दिखा देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमारा इनको देने का मकसद है जो कि ये जो इसके अंदर इन्हें जो अलबंडाजोल है वो पूरा 10% है, किसी में 2.5 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 2 होता है। ये मेडिसन है, इसको बड़ा सोच समझ के दीजिएगा ठीक है, क्योंकि इसके डोज तेज़ है ये, बस ये जेन में रखिएगा। और ये है कि मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा ठीक है, ये देने से पहले ये इम्पोर्टेड मेडिसन है, ये लोकल नहीं है। जो भी मेडिसन है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेड यूज़ करता हूँ। अब आप दोस्तों को मैं दिखा देता हूँ कि ये बछड़े को मैंने किस तरीके से देना है। ठीक है दोस्तों, आसानी के साथ ये हमने इसको डोज दे दी है, ताकि इसमें थोड़ा सा पानी और डालता कि इसमें मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल के इसको हम दे देंगे, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि इसके अंदर जो भी मेडिसन है डाल दे। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत ही मेडिसन रह भी गई है ठीक है, बड़ी आसानी के साथ जानवर ले लेता, परेशान नहीं आपने ठीक है। ये देखे ताओ मैं छोड़ दें, ये लेंगे बड़ी आसानी के साथ हमने इसको डोज दे दी है। आगे आपको मैं बांध देता हूँ मरीज को, आगे जितने भी बछड़े हैं मैं इंशाल्लाह ताला जी दिखाता जाऊँगा, क्योंकि जो मैंने अपने हाथों से काम कर लेना ना वो कोई और नहीं कर सकता ठीक है। बाकी ये कि आप अपने हाथों से सारे मामला किया करें। अब हमने इसको दे दिया, अब सुबह हमने क्या करना है, इसको वंडा बिल्कुल भी नहीं देना ठीक हो गया। अब इसको सुबह हमने सब चारा देना है और शाम को हम इसको वंडा देंगे ठीक हो गया। इसी तरीके अब दूसरे बछड़े को देते हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी मैं दिखाता हूँ आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखिए जी दूसरे को भी हम 100 ml ही देंगे ठीक है। ये मेडिसिन हमने ग्लास में डाली हुई है क्योंकि बछड़े बड़े हैं, उसी हिसाब ने हमने देते जाना है। पहले आप दोस्तों को मैंने बताया कि हमने डेक्ट्रान का इंजेक्शन लगा लिया, तकरीबन आज 1 माह हो गया डेक्ट्रान लगाए हुए, ये 60 हो गई। उसके 1 माह बाद हमने ये इनकी ये इंस्टर्नल डिवर्मिंग हो रही है पेट की, 80 और ये 100 ml ठीक है। 100 भी अंदाजे के साथ अब जो हमने चीनी वाला जो पानी बनाया हुआ है वो डालते जाएंगे अंदाजे के साथ।
ठीक है ना। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके इंशाल्लाह ताला जी तमाम जितने भी हमारे बछड़े हैं इनको जी हम दे देंगे। ठीक है, अब दिखाएं जी काले डब्बे को हम देने लगे हैं। स्पेशली जी इसका नाम हमने रुस्तम रखा हुआ है। काम हो तो पकड़ के रख। ये देखते जाए आप, ठीक है, इसी तरीके से आपने देनी है। बाकी आगे और मैं फिर इंशाल्लाह आपको दिखा जी। दोस्तों जो बड़े हमारे पास चार बछड़े हैं जिनका वज़न 13-13, 14-14 मन है, हमने उनको 100-100 ml दे दी है। ठीक है, अब ये हमारे पास छोटे बछड़े हैं, ठीक है, इनको हमने 80 cc के हिसाब से देना है। ठीक है, पानी हम इसमें डाल लेते हैं। बड़े बछड़ों को हमने तमाम को दे लिया, नज़दीकी जाके आपको दिखा देते हैं। अब मैं अपने दोस्तों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसके लिए ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, कि ये ना हो कि सांस वाली नाली में चली जाए कि जी हमने आगा सदान की वीडियो देखी थी, आगा सदान नाल के साथ अपने बछड़ों को दे रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, कितने तक बहुत काफी थे। अब ये देखिए ना, ये देखिए इनको दे दिया हमने बांधा मोहम्मद। तो इसी तरीके से आपने देते जाने हैं। ये भी जी अब दोबारा हम देने लगे हैं 80 cc फिर डोज दूसरे बछड़े की बना के हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी मैं इंशाल्लाह ताला अपने फार्म पे मैनेजमेंट जिस तरीके से भी मैं करता जाऊंगा अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये हक बनता है, क्योंकि बड़े दोस्त अहबाब हैं आके पानी डाल जो लोगों को कुछ बताते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमने सारा कुछ जो भी कब्र में लेके चला जाना है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। जानवरों को जितना भी आप मामलत करते हैं दिखाते जाएं, अब दोस्तों का इसी तरह जी शौक़ बढ़ता है। देखे पहले मैं बकरों का शौक़ करता रहा हूँ, अब मुझे अल्लाह ने इस्तेआत दी है तो मैं बछड़ों पे शौक़ कर रहा हूँ। जब अल्लाह ने मुझे और इस्तेआत देनी मैंने ऊँटों पर चले जाना है। अब आपको दिखाते हैं कि इसका वज़न, आप दोस्तों को देख लें इसका वज़न और किस तरीके से हम देते हैं ये देख लें। नाल ये लेंगे आसानी के साथ जानवरों को हम देते जा रहे हैं बांध। इसके जानवर के मुंह से जो स्मेल आती है और जानवर खुराक हम पूरी नहीं लेता। जानवरों के डिवर्मिंग हम इसलिए करते हैं कि जानवर अच्छी खुराक खा सके। जो कीड़म है जो छोटे छोटे अंदर लार्वे होते हैं जिगर के अंदर, मैदे के अंदर, आंतों के अंदर, जानवर को प्रॉपर खुराक को हजम नहीं होने देते, उसके ज़रिए हम देते हैं। अभी हमारे पास गुलाबी हैं काके डाली आशादे, इसको भी हम तकरीबन 80 cc ही डोज देंगे। बड़ों को हमने 100-100 दे दिए। एक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 18-20 मन का है, हमने उसको 120 cc दे दिया। ये जी 80 cc बन गई। अब बस हम इसमें मीठा पानी डालते जाएंगे। ये देखिए जी हमारी फैमिली का एक और सबसे छोटा मेंबर है। नाम क्या तुम्हारा? हनैन अली। तो ये देखे हमारे पास बैठा हुआ है, क्या कर रहे हैं बछड़ों की डिवर्मिंग? ऊंची बोल जरा बता दे। डिवर्मिंग डिवर्मिंग क्यों कर रहे हैं? बछड़ों के पेड़ के अंदर जो मसले मसाइल हैं वो खत्म होते हैं। ये देख लें जी। तो इसी तरह ही दोस्तों फिर बच्चे तैयार हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और शौक को प्रमोट हो जाता है। चले आगे, ये गुलाबी दिखाते हैं आपको। ये गुलाबी आप देख लें, ये लें आसानी के साथ, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। कि कोई भी इसमें राकेट साइंस नहीं है कि जी बड़ी राकेट साइंस, ये ना समझिएगा, बड़ा इजी सा काम है। तो अगर आप दोस्तों को इस चीज़ की समझ आ गई है तो स्पेशली आगा सदामाबाद को अपने दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तो आगे और भी हमारे जितने भी ये बछड़े रह गए हैं इनको मैं सबकी डिवर्मिंग करने लगा हूँ। तो कोशिश तो यही की है कि आप दोस्तों को मैं बताता जाऊं, अगर किसी को समझ नहीं लगी तो वो वीडियो मेरी काइंडली गौर से देख ले
उनको इंशाल्लाह अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। तो बाकी आगा सदाम अब्बास को अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। हज की डिवर्मिंग जानवरों की हो चुकी है, ठीक है। एक दो दिन तक हमने बकरों की भी कर लेनी है, वो भी इंशाल्लाह अपने दोस्तों शेयर करेंगे। आगा सदाम को कीमती दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।